हाँ तो गुरुलो, फाइनली मैंने अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज फर्जी को देख लिया है और राज एंड डीके ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडिया में उन लोगों जैसा टॉप सीरीज और कोई नहीं बनाता। ये सीरीज नहीं, अपना खुद का एक यूनिवर्स बना रहे हैं यार। मतलब बहुत ही स्मार्टली उन लोगों ने फर्जी को द फैमिली मैन से कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये दोनों शो एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। आई नो जिन लोगों ने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है उनके लिए एक स्पॉयलर है, पर कोई नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात को शेयर करने के लिए। सो जिन लोगों ने द फैमिली मैन देखा है और आपको वो शो पसंद आया तो हम 100% श्योर आपको फर्जी भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मेकर्स भी वही हैं और ये शो भी उसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। बहुत ही स्मार्टली उन लोगों ने श्रीकांत तिवारी को ना दिखाते हुए सिर्फ उनके नाम को शो में यूज किया है। और हाँ, बीच में एक बार विजय सेतुपति का कैरेक्टर तिवारी से फोन पर बात भी करता है और मैं क्या बताऊँ, उस कुछ सेकंड का सीन अलग ही गूज़ बम्प देता है, फैमिली मैन की याद दिलाती है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ द फैमिली मैन सीजन 3 देखने के लिए। आई एम 100% श्योर कि सीजन 3 में हो सकता है विजय सेतुपति का कैरेक्टर देखने को मिल जाए या उस सीरीज में भी इससे कोई रेफरेंस उठाकर डाल दें। और हाँ, इस सीरीज में एक कैमियो भी है चिल्लम सर का। जिन लोगों ने द फैमिली मैन शो देखा होगा वो तो अच्छे से जानते होंगे कि चिल्लम सर है कौन। खैर, इन सब बातों से हटकर आते हैं सीरीज पर। इस सीरीज का बेसिक कहानी वही है जो हमें ट्रेलर में बताया गया था। शाहिद कपूर और उनके दोस्त का लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चलता है और शाहिद कपूर एक आर्टिस्ट होता है। उनके लाइफ में कुछ इतना प्रॉब्लम आता है जब उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो फर्जी नोट बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उनके अंदर धीरे धीरे लालच आ जाता है और ये शो कहां से कहां चला जाता है वो आप ये शो देखकर ही एंजॉय कीजिएगा। इससे ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता, पर हाँ एक बात तो तय है, अगर आप लोगों ने एक बार ये शो स्टार्ट किया तो इसका हर एक एपिसोड आपसे देखे बिना नहीं रह जाएगा। इस शो में टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का, मतलब इसे देखने के लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना ही पड़ेगा। और जो लोग बिंज वॉच करते हैं उनके लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। शो का स्टोरी काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न मिलेंगे जो आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। शो की स्टोरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और सभी ने अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, स्पेशली शाहिद कपूर ने और विजय सेतुपति ने। ये शो भले ही शाहिद कपूर के नाम पर प्रमोट किया जा रहा हो लेकिन इस शो में असली चार चांद विजय सेतुपति के कैरेक्टर ने लगाया है। मतलब यार, अगर आप लोगों ने विजय सेतुपति की एक भी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा वो कितने ज्यादा मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनको देखकर आपको द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी के बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि द फैमिली मैन शो में जैसे ही श्रीकांत तिवारी के लगे होते हैं सेम वैसे ही इसमें विजय सेतुपति के कैरेक्टर का भी वैसे ही लगे पड़े होते हैं। मतलब बीवी का अफेयर किसी और से चल रहा है, बच्चा उन्हें पसंद नहीं करता है, मतलब जो फैमिली इशू श्रीकांत तिवारी के लाइफ में वही फैमिली इशू विजय सेतुपति के कैरेक्टर के पास भी है। मतलब मेकर्स एक ही हैं तो उन्होंने कैरेक्टर भी सेम रख दिया है, बट फिर भी आप ये शो देखते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। शो का बीजीएम म्यूजिक और सॉन्ग वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर बात करें क्या इसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो इस शो में ऐसा कोई इंटीमेट सीन नहीं है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर ना देख सकें, बट हाँ शो में कई जगह काफी ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज किया गया है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर गाली गलौज नहीं सुन सकते तो इसे आप अकेले में एंजॉय कीजिएगा। और जिस तरह से शो एंड हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब फर्जी का भी सीजन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वो कब देखने को मिलता है वो मेकर से जाने। उम्मीद करता हूँ फैमिली मैन की तरह ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे और इसका सीजन 2 बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। राशि खन्ना का जो कैरेक्टर है ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया गया, उनका भी कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। उन्हें एक अच्छा खासा रोल दिया गया है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक्ट्रेस को सिर्फ ग्लैमर के लिए कास्ट किया जाता है, उनके पास करने को कुछ ज्यादा होता नहीं है, बट इस शो के साथ ऐसा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सीजन्स में हमें विजय सेतुपति और मनोज बाजपेयी एक साथ देखने को मिलेंगे। मैं पर्सनली इन्हें एक साथ काम करते हुए देखना चाहता हूँ। क्या आप लोग भी इन दोनों को एक साथ एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने सीरीज देखा है तो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।